आप सभी का, आप देख रहे हैं भारत 24 आपके साथ, मैं हूं प्रिया सन्हा। बड़ी खबर यही है कि पूरी में आज निकाली जाएगी प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस रथ यात्रा में शामिल होंगी। यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त देखने को मिल रहे हैं। चारों तरफ हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। आज का दिन बेहद ज्यादा खास है उन तमाम श्रद्धालुओं के लिए जो कि देश और दुनिया से यहाँ पर पहुँचते हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, यहाँ पर धर्म, यहाँ पर संस्कृति का अद्भुत समागम देखने को मिलता है। सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो यहाँ पर चाक चौबंद इंतजाम किए गए। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, जहाँ पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचने वाली हैं। उससे ठीक पहले किस तरीके की तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं, किस तरीके से दुल्हन की तरह पूरी को सजाया गया है। रथ यात्रा आज निकलने वाली और इसको लेकर के श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह है। पूरी रथ यात्रा में सब कुछ तैयार है, पुलिस व्यवस्था हुआ है, एलोकेट पुलिस अरेंजमेंट किया गया है, क्राउड रेगुलेशन, ट्रैफिक, पार्किंग। आज राष्ट्रपति महोदय का भी प्रोग्राम है यहाँ, उनके लिए भी स्वतंत्र अरेंजमेंट किया गया है। जो हर साल रथ यात्रा जो भी व्यवस्था होता है श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हम लोगों ने किया। सर कितना प्लाटून? देखिए कुल 180 प्लाटून फोर्स यहाँ तैनात किए गए हैं। उसके अलावा ऑफिसर्स, SP, कमांडेंट रैंक के भी और भी तो आज प्रभु जगन्नाथ अपनी बहन देवी सुभद्रा और भाई बलराम के साथ नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। क्या कुछ तैयारियां हैं, भारत 24 संवाददाता देव की खास रिपोर्ट अब आपको दिखा देते हैं। आज पूरी में भव्य रथ यात्रा और इस बार की रथ यात्रा में कई दिलचस्प चीजें देखने को मिली है। एक ही दिन में 53 साल के बाद नवयौवन दर्शन, रथ यात्रा साथ ही साथ और नेत्र उत्सव जो एक ही दिन में इस बार की तिथि आई हुई है। अब मैं दिखाना चाहूंगा, रथ तैयार है, प्रभु जगन्नाथ उनके बड़े भाई बलराम जी और बहन मैया सुभद्रा को लेके और कई घंटों के बाद बाहर आएंगे और भक्त को दर्शन देने के लिए उत्सुक भक्त जो सब भारत वर्ष के कई कोने कोने से आए हुए हैं, वहां की नजारा दिखाने के लिए जहां पे भक्त इंतजार कर रहे हैं उनके भगवान को देखने के लिए और बड़े प्यार से, आनंद से, जय जगन्नाथ की ध्वनि से प्रकंप हो रहा है पूरी बड़गांड। और कई घंटे के बाद भगवान श्री जगन्नाथ उनके बहन मैया सुभद्रा और बड़े भाई बलराम जी को लेके गुंडीचा मंदिर में, मतलब अपने मौसी माँ के घर जाएंगे। मैं कुछ भक्तों का प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करूंगा। आप देख सकते हैं बेस होके आए हुए हनुमान जी की बेस होके आए। कहाँ से हैं आप? हम कटक जिला बांकी ब्लॉक खजुरपदा गांव से आए हैं। हर साल ऐसे आते हैं ना, इस बार पहली बार? हाँ, हर साल आते हैं। कैसे लग रहा है इस बार की रथ यात्रा में? पुलिस प्रशासन, पूरी प्रशासन के द्वारा बहुत व्यापक बंदोबस्त हुआ है, क्या बोलना चाहेंगे? बंदोबस्त तो अच्छा हुआ है क्योंकि राष्ट्रपति आए हैं ना, इसलिए तो बहुत खुशी लग रहा है। जैसे बता रहे थे राष्ट्रपति जी वहाँ महिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस बार पूरी रथ यात्रा में शामिल हो रही है, तो भव्य बंदोबस्त हुआ है। 218 प्लाटून फोर्स पुलिस नियोजित हुए है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी व्यवहार हुआ है। शहर की 40 जगह पे CCTV कैमरा लगा हुआ है जो ट्रैफिक को नियंत्रण करेगा साथ ही साथ, और जैसे हथरस में जो हादसा हुआ था उसको नजर में रखते हुए उड़ीसा की पुलिस, पूरी प्रशासन तैयार है यहाँ की रथ यात्रा को सामना करने के लिए। पुरी से देव कुमार का रिपोर्ट, भारत 24। तो रथ यात्रा को लेकर के व्यापक तैयारियां की गई है, काफ़ी ज़्यादा इसकी मान्यता है। कहते हैं कि रथ यात्रा में सिर्फ सम्मिलित होने से आपके सभी रोगों से आपको मुक्ति मिलती है। मेरे साथ मेरे सहयोगी देव घोष इस वक्त लाइव भी कनेक्टेड हैं, सीधे पुरी से उनका रुख कर लेते हैं। और देव, इस वक्त तो चारों तरफ जय जगन्नाथ की गूंज सुनाई दे रही होगी। ज़रा तस्वीरों के जरिए दर्शकों को बताएं कि इस वक्त का क्या नज़ारा है, महामहिम क्या पहुँच चुकी है या फिर वक्त लगेगा? पहले तो भारत 24 के सारे दर्शकों को मेरे तरफ से जय जगन्नाथ। पूरी में जय जगन्नाथ की ध्वनि से प्रशंसित हो रहा है पूरी। यहाँ की तस्वीर दिखाना चाहूंगा, महामहिम राष्ट्रपति और कई वक्त यहाँ पहुंचने वाली है। प्रशासन पुलिस के द्वारा व्यापक बंदोबस्त हुआ है पूरी में, तस्वीर आप भी देख सकते हैं। 3 रथ का प्रतिष्ठा भी हो गया है। 3 रथ, जैसे मेरा जस्ट पीछे नंदी घोष जो पीला कलर की नंदी घोष रथ है, उनके बगल में मैया सुभद्रा की रथ है, उनके बगल में बड़े भाई बलराम भगवान की रथ है, और ये तीनों रथ का प्रतिष्ठा हो गया है। जैसे कि रिथ है
दो बजे से फेरा पाना शुरू होगा और 4 से 5 बजे के अंदर रथ गणना शुरू होगा। अपने पड़ोसी के घर भगवान जाएंगे, भक्त को दर्शन देंगे। ये जो 53 साल के बाद एक बड़ा मुहूर्त आया है, एक ही दिन नेत्र उत्सव, साथ ही साथ रथ यात्रा और नव यौवन, ये 1972 में हुआ था, 53 साल के बाद 2024 में ये मुक्त सारे भक्त को देखने को मिला है। और इस साल की रथ यात्रा 2 दिन तक की है। आज कुछ वक्त रथ चलने के बाद फिर दोबारा कल से रथ यात्रा चालू रहेगा। जी, 53 साल के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है आज के दिन। और जो रथ मेरे सहयोगी दिखा रहे थे आपको, उसकी भी अलग मान्यता है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ, बलराम या फिर देवी सुभद्रा, उनकी जो रथ यहाँ पर तैयार की गई है उसकी भी अपनी खासियत है, उसके भी अपने नाम हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात देव, क्योंकि रथ यात्रा को लेकर के न केवल उड़ीसा के लोगों में उत्साह रहता है, देश के कोने कोने से, दुनिया के कोने कोने से लोग इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं, वहाँ पर पहुँचते हैं। क्या इंतज़ाम आप प्रशासन की तरफ से देख पा रहे हैं? क्या कुछ व्यवस्था की गई है ताकि लोग वहाँ पर अच्छे तरीके से इस पूरे कार्यक्रम का हिस्सा बन सकें? सबसे बड़ा चीज, इस बार पुलिस प्रशासन की बात करें, पूरी प्रशासन की बात करें, 180 प्लेटून पुलिस फोर्स डिप्लॉयड है यहाँ पे। और भक्त कैसे सुविधा से अच्छे तरह से भगवान के दर्शन कर पाए, साथ ही साथ इस बार जैसे कैजुअलिटी को ज्यादा भी इम्पोर्टेंस दिया गया हुआ है। और जैसे हथरस का हफ्ता को नजर में रखते हुए पहली बार पूरी में AI का भी सहयोग लिया गया है। AI इस बार से ट्रैफिक नियंत्रण कर रहे हैं, जिससे जो कंट्रोल रूम से कंट्रोल हो रहा है, जैसे SP बता रहे थे 40 CCTV कैमरा भी लगा हुआ है जो इस बार की कंट्रोल कर रहे हैं सारे ट्रैफिक बंदोबस्त। और भक्त करीबन 10 से 15 लाख भक्तों से भीड़ होता है पूरी में, साल में इंतजार करते वहां कोने कोने से कई भक्तों आने के लिए और उनके भगवान को देखने के लिए नजदीक से। जब खुद मंदिर से भगवान बाहर आते हैं उनके भक्त को दर्शन देने के लिए, उतना और इसका इंतजार जो भक्त हैं वो बेसब्री से करते हैं कि कब प्रभु दर्शन देंगे। मैं लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन क्योंकि लोगों के मन में उत्सुकता रहती है, वो इस यात्रा के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ बड़ी बातें अपने दर्शकों को हम इस वक्त बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, क्राउड मैनेजमेंट प्लान क्या है, क्योंकि एक बड़ी चुनौती होती है कि कैसे वहाँ पर लोगों को क्राउड को मैनेज किया जा सके। अब उड़ीसा पुलिस ने हाथरस हादसे से सबक लिया है, वो कैसे लिया, क्योंकि तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जा रही। हाथरस में आपको याद होगा कि भगदड़ कैसे मची, अब उड़ीसा पुलिस ने व्यवस्थाओं के तहत मैनेजमेंट के लिए पुलिस AI का इस्तेमाल इस वक्त कर रही है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। पहली बार AI कैमरे, ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, जिसका जिक्र मेरे सहयोगी देव भी कर रहे थे कि किस तरीके से वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं। AI कैमरे से भीड़ को मैनेज करना आसान है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि तमाम जो जानकारी है वो आपको AI के जरिए इजिली मिल जाती है। ड्रोन्स और AI के जरिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से भीड़ और वाहनों की गिनती वहां पर हो जाएगी आसान तरीके से। सही समय पर रियल टाइम इंफॉर्मेशन हासिल करने का प्रयास है, यही कोशिश है कि तमाम जो जानकारी है वो सटीक मिल सके। पुलिस का फोकस 3 किलोमीटर लंबी ग्रैंड रोड पर है, यानी कि वो जो सड़क है जहां से ये जो रथ यात्रा है वहां गुजरेगी, वहां पर क्या कंडीशन है उसकी इंफॉर्मेशन भी रियल टाइम में वहां पर मिल जाएगी। इसी रास्ते पर रथ को खींच कर लेकर के जाया जाता है। और क्योंकि कहते हैं कि जो भक्त भी रथ को खींचता है, सिर्फ खींचने मात्र से ही वो जो उसको तमाम जो पुण्य है उसकी प्राप्ति होती है। पुलिस ने वो इलाके सेलेक्ट किए हैं जहां पर चुनौती ज़्यादा है, क्योंकि प्रभु की जब यात्रा यहां से निकलेगी तो अलग अलग मार्गों से होकर गुजरेगी, तो इन इलाकों को चिन्हित किया गया। 3 ड्रोन्स, पब्लिक एड्रेस सिस्टम का साइरन वहां पर लगाया गया है, RAF की 3 कंपनीज, CRPF की 2 टुकड़ियों को वहां पर तैनात किया गया है, 8 प्लाटून SOG ग्रुप की टीम्स भी वहां पर तैनात कर दी गई हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई ऐसी अप्रिय घटना ना घटे और जो भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं वो निर्विघ्न रूप से वहां पर इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सके। अब 3 पुराण में रथ यात्रा का जिक्र मिलता है, इसमें पद्म पुराण, स्कंद पुराण और भविष्य पुराण है, तो इसकी धार्मिक महत्ता है, इसकी मान्यता है। यही कारण है कि हर साल भक्त यहाँ पर खींचे चले आते हैं, भक्त इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं। 1200 साल पुरानी यह रथ यात्रा बताई जाती है, इसका वर्णन आपको धार्मिक ग्रंथों में देखने को मिलेगा। 865 पेड़ों की लकड़ियों से ये जो रथ हैं वो तैयार होते हैं और बकायदा महीनों लगते हैं इसको बनाने में। 7 समुदाय के लोग इन रथों का निर्माण करते हैं, इसको बनाते हैं,
तो ये इसकी विशेषता है जिसके बारे में आपको बता रहे हैं और इसको लेकर के प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयार है कि जब ये रथ यात्रा की शुरुआत हो तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इससे जुड़ी हर एक अपडेट, हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हुए बात अहमदाबाद की बड़ी खबर, भगवान जगन्नाथ के दर पर अमित शाह पहुंचे। जगन्नाथ मंदिर में अमित शाह ने पूजा अर्चना की, परिवार के साथ उन्होंने भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की, भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती में शामिल हुए। तो आज भोर में अमित शाह वहां पर पहुंचे थे मंगल आरती करते हुए अपनी धर्मपत्नी सोनल शाह के साथ। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं भगवान जगन्नाथ के दर पर अमित शाह पहुंचे। उसके बाद वहां पर सुबह सुबह ही जब रथ यात्रा निकली थी, वो भी तस्वीरें भारत 24 ने आप तक पहुंचाई थी, जब मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वहां पर उस कार्यक्रम का हिस्सा बने। और अब वहां पर जिस तरीके से तस्वीर सामने आ रही है वो ये कि सुबह सुबह जब गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे थे कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, मंगल आरती जब उन्होंने की, उस वक्त की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक उल्लास, उमंग, उत्साह का विषय है, एक धार्मिक महत्व है और यही तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने रथ यात्रा उत्सव की शुभकामनाएं दी, हमने आपको वो तस्वीर भी दिखाई थी। जगन्नाथपुरी के बाद ये सबसे बड़ी रथ यात्रा है, उन्होंने इस बात का जिक्र किया। भगवान खुद नागरिकों को दर्शन देते हैं, यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित रूप से संपन्न हो ये कहते हुए, और साथ ही साथ ये भी कहते हुए कि पूरे देश में सुख शांति और समृद्धि लाए भगवान, ये उन्होंने कामना की है। ये तस्वीरें वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद रथ यात्रा यहाँ से निकली, वो तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। खुद जो हर्ष सांघवी हैं प्रदेश के गृह मंत्री, वो इस दौरान मौजूद रहे। वहाँ पर सोने की झाड़ू भी लगाई जाती है, तो वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। पूजा अर्चना करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। और इसके बाद जब उन्होंने मीडिया से बात की तो उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी हैं। दो तस्वीरें इस वक्त, एक तस्वीर सुबह 4 बजे की जब मंगल आरती में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपनी धर्मपत्नी सोनल शाह के साथ, दूसरी तस्वीर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पूजा अर्चना करते हुए। जय जगन्नाथ का उद्घोष इस वक्त चारों तरफ सुनाई दे रहा है और कहा जाता है कि उड़ीसा के पुरी के बाद जो सबसे बड़ी प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा है वो गुजरात के अहमदाबाद में निकाली जाती है। और यही कारण है कि इसकी धार्मिक महत्ता इतनी ज़्यादा है कि भक्त यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंच जाते हैं। और यही तस्वीरें इस वक्त अहमदाबाद से आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं।